इस साल कई ऐसे टीवी और बॉलीवुड कपल्स हैं जिन्होंने अपनी पहली करवा चौथ सेलिब्रेट की है। उसमें एक जोड़ी है पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कर और रोहन प्रीत सिंह की। नेहा कक्कर और रोहन प्रीत सिंह ने हाल ही में 24 अक्टूबर 2020 को शादी की थी और उनकी शादी की फोटो सोशल मीडिया पे अब तक छाई हुई है। नेहा कक्कर ने अपनी शादी के सभी सेलिब्रेशन की फोटो फैंस के साथ सोशल मीडिया पे शेयर की है, जिसमें मेहंदी, हल्दी, शादी और रिसेप्शन जैसे फेस्टिविटीज की फोटो शामिल है। नेहा कक्कर और रोहन प्रीत सिंह ने अपनी ये पहली करवा चौथ घर पे फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट की। नेहा कक्कर इस मौके पे सिंपल रेड ड्रेस में दिखाई दी, वहां रोहन प्रीत सिंह सफेद रंग के कुर्ते के साथ रेड कलर की पगड़ी में दिखाई दिए। इन फोटोज में नेहा कक्कर पूजा की थाली हाथ में लिए हुए अपने हस्बैंड का चेहरा छलनी में से देखती हुई नजर आई। दोनों ही कैमरे को पोज देते हुए स्माइल के साथ प्यारे लग रहे हैं। ये फोटो शेयर करते हुए नेहा कक्कर कैप्शन में लिखती है, मेरी पहली करवा चौथ मेरे पति रोहन प्रीत सिंह के साथ। एक फोटो में रोहन प्रीत सिंह अपनी वाइफ और सिंगर नेहा कक्कर को छलनी से देखते हुए स्माइल करते हुए नजर आए। नेहा कक्कर और रोहन प्रीत सिंह के ये करवा चौथ पे नेहा कक्कर के पेरेंट्स भी उनके साथ दिखाई दिए और उनके लिए नेहा कक्कर ने लिखा, थैंक यू मम्मा पापा फॉर एवरीथिंग। रोहन प्रीत सिंह ने भी ये करवा चौथ की कुछ फोटो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, मेरा चांद ज्यादा सोना। इस पर कमेंट लिखते हुए नेहा कक्कर लिखती है, खैर वो तो है, जस्ट किडिंग। और नेहा कक्कर के भाई टोनी कक्कर ने भी उस पर कमेंट करते हुए लिखा, कोई शक नहीं भाई। नेहा कक्कर और रोहन प्रीत सिंह ने 24 अक्टूबर को दिल्ली के एक गुरुद्वारा में शादी की है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।